नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। किशनगंज में रेल प्रशासन के विरुद्ध लोगों ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी भी की। दरअसल पोठिया प्रखंड के मागुरजान रेलवे स्टेशन के समीप अंडरपास ब्रिज में बारिश के पानी के जमाव से भेड़भेड़ी गांव के लोगों का आवागमन बंद हो गया, जिससे उक्त गांव की 5000 की आबादी प्रभावित हो रही है। लगभग 10 फीट पानी का जमाव ब्रिज के अंदर होने से भेड़भेड़ी गांव के लोगों को गांव से निकलना बेहद मुश्किल हो गया, जिसको लेकर भेड़भेड़ी गांव के आदिवासी परिवारों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गोरुखाल पंचायत से बोल रहा हूँ। मागुरजान 83 नंबर गेट में अंडरग्राउंड बना है, ताकि जो हम लोग का यहाँ पर आगमन बंद है, पानी हमेशा लगा हुआ रहता है। रेल का विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग ये थे, हम लोग को उल्टा जो है रेल विभाग हम लोग को चेतावनी दिया कि अगर ज़्यादा बोलेगो तो आप लोग के ऊपर FIR करेंगे। पानी का जाम है, पानी यहाँ छेड़ने वाला कोई आदमी है नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लिया था कॉन्ट्रैक्ट में, वो तो आई पानी नहीं छेड़ रहा है, हम लोग का जाने का दिक्कत हो रहा है। इसको आप देख रहे हैं, पुठिया ब्लॉक के गुरुखल पंचायत के वार्ड नंबर 1 यानी कि भेड़बड़ी गांव का है, जो 43 गेट अंडरग्राउंड जो बना है। यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ पर कोई बहुत बड़ा समस्या चल रहा है, जल जमाव का समस्या। जो हम लोग का जो है पश्चिम साइड भी नदी है, उत्तर साइड भी नदी है और दक्षिण साइड भी खाड़ी है। हम लोग को कहीं बाहर जाने के लिए सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है, जो हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है। हम लोग बस्ती वालों को निकलने में बहुत समस्या हो रहा है, यानी कि हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। कोई यानी कि किस तरह का मेरी पेशेंट हो गया या फिर हम लोग को बच्चों को जो स्कूल भेजना है, वो सब हम लोग को बरसात के टाइम में हम लोग का बंद रहता है।